वही जिले में ओवरलोड मालवाहक या सवारी से हो रही दुर्घटनाओं पर कोरिया कलेक्टर सख्त हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि ऐसा पाए जाने पर लाइसेंस निरस्त कर दिए जाएंगे, साथ ही गाड़ियां भी सीज की जाएंगी। दुर्घटना की शिकायतें आने के कारण अब लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने और यातायात नियम के उल्लंघन करने वालों पर सख्ती से निपटने का फैसला किया गया है। इस कार्य में ग्राम के कोटवार से लेकर पंचायत सचिव तक को निर्देश देने की बात की जा रही है। उनके ग्राम से होकर गुजरने वाले कोई भी सड़क से ओवरलोड वाहन जाती है तो उसकी सूचना कंट्रोल रूम में दिया जाना सुनिश्चित करें। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में हुए हादसे में 19 मजदूरों की मौत के बाद जिले में पुलिस लगातार पिकअप वाहनों की जांच कर रही थी। इसी बीच आज मजदूरों से भरी एक पिकअप वाहन पलट गई, जबकि शासन प्रशासन का निर्देश है कि यदि आप पिकअप वाहनों में सवारी को भरा जाता है तो ड्राइवर साथ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जो ओवरलोडिंग की समस्या है जो कि पूरे राज्य भर में ही है, इसके संबंध में कोरिया में कुल हमने 8 कार्रवाई कर ली है, जिसमें सभी हमारे जो एसपी साहब हैं, पूरा पुलिस का डिपार्टमेंट है, प्लस हमारे आरटीओ और हमारे जो एसडीएम से इनके द्वारा जो है लगातार निगरानी की जा रही है। कुछ एक तो घटना हमारे सामने भी आई है और हमने आज ही सभी ग्राम पंचायत के सचिवों के माध्यम से मुनादी कराई है कि कोई भी ठेकेदार जो है एकदम बल्क में मजदूरों को ओवरलोड करके पिकअप में डाल के ना ले जाए, और यदि ऐसे कहीं पाया जाता है तो संबंधित जो हमारे ठेकेदार हैं जो मजदूरों को लेके जाते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, और संबंधित जो ग्राम पंचायत सचिव है उनसे भी पूछा जाएगा कि उन्होंने इसको क्यों अलाउ किया, और उसके बाद यदि ऐसी कोई संज्ञान में आता है कि ऐसा कुछ हुआ है तो तत्काल जो गाड़ी का जो मालिक है उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, उनका जो लाइसेंस ड्राइविंग लाइसेंस।